हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी पर, यानी जो आर्थिक प्राणी विज्ञान है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस होंगे। ये आपका पीजीटी अगर सिलेबस देखेंगे तो जियोलॉजी वाले सेक्शन में ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए पीजीटी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ अ सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने वाला होता है, ये नहीं कि हमने केवल सिक्रीशन पर ध्यान दिया, टोटल आप पढ़िए क्वेश्चंस को। सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, अब यहाँ पर देखिए लैक, पर्ल, कोरल, ये तीनों आपके सिक्रीशंस ही हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किया गया है आपका इंसेक्ट के लिए, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि लाग जो है वो आपका इंसेक्ट है की कैटेगरी में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक। लैक जो है ये सिक्रीशन है आपका इंसेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ सिल्क इज ऑब्टेंड, यानी सिल्क मॉथ की किस स्टेज से जो सिल्क है वो ऑब्टेंड किया जाता है। फोर ऑप्शन, लार्वा, प्यूपा, कोकून एंड एडल्ट। तो जो कोकून स्टेज है, कोकून स्टेज से ही जो सिल्क है सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, अलग किया जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर जो कोकून होता है इसी पर आपका थ्रेड के फॉर्म में ये जो आपका सिल्क है ये पूरा का पूरा होता है, इसी को हम बॉयल करके बाद में अलग करते हैं। नेक्स्ट है, कैटरपिलर ऑफ सिल्क वॉर्म वोरेसियसली ईट्स अपॉन, अब जो सिल्क वॉर्म है ये क्या खाता है, एप्पल लीव्स, बाबर लीव्स, मलबेरी लीव्स या ऑल ऑफ द, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल है मलबेरी लीव्स। नेक्स्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर दोज विच प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट सच एज, अब बेनिफिशियल इंसेक्ट हम किसको कहते हैं जिनसे कुछ आपका यूजफुल प्रोडक्ट कौन कौन से है, जैसे हनी बी एंड वैक्स ये भी यूजफुल है, सिल्क थ्रेड ये भी, आपका शेल लैक एंड सम डाई ये भी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ प्रोड्यूसेस अ केमिकल टर्म्ड बॉम्बिकॉल, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो इधर ज़्यादा आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट की व्यवस्था करी जा रही है। द फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ प्रोड्यूसेस केमिकल टर्म्ड बॉम्बिकॉल, इट इज़ अ, अब ये क्या है, सेक्स हार्मोन एंड अलार्म फेरोमोन, सेक्स फेरोमोन या हार्मोन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्स फेरोमोन, बॉम्बिकॉल जो है ये आपका सेक्स फेरोमोन है। नेक्स्ट है, इन हनी बीज द ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम, अब ड्रोन्स किससे आपका डेवलप होते हैं, तो हनी बीज जो आपके के ड्रोन्स यानी जो मेल्स होते हैं डेवलप होते हैं आपके अनफर्टिलाइज्ड एग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगल डांस ऑफ बीज वाज डिकोडेड बाय, जो वेगल डांस जो होता है बीज का इसको किसने डिकोड करा था, यानी इसको किसके बारे में किसने पता लगाया था, तो ये आपका जो डिस्कवरी करी थी यानी जो खोज करी थी इनके कम्युनिकेशंस के दौरान जो वेगल डांस होता है ये करी थी कॉल वॉन फ्रिश ने, राइट आंसर ऑप्शन ए कॉल वॉन फ्रिश। नेक्स्ट है, इन बीज पॉलन बास्केट इज प्रेजेंट इन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीजीटी के अकॉर्डिंग, कि जो बीज होते हैं इनमें जो पॉलन बास्केट होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रोथोरेसिक लेग्स, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग, बोथ मीजो एंड मेटाथोरेसिक, जबकि जैसे आपका प्रॉन में आपका क्वेश्चन आया था इसमें स्टेटोसिस्ट के बारे में पूछा गया था, उसी टाइप से ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि जो आपका बीज हैं
तो उनमें आपका पॉलन बास्केट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाथोरेसिक लेग्स। जो मेटाथोरेसिक लेग होती हैं इसमें आपका जो पॉलन बास्केट है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द नेम हनी बी, हनी स्टमक। द नेम हनी स्टमक इन बीज इज अप्लाइड फॉर। अभी जो आपका हनी स्टमक होता है ये नाम जो है बीज में किसके ऊपर अप्लाई होता है? फोर ऑप्शन क्रॉप, फेयरिंग, स्टमक, नन ऑफ एबव। तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्रॉप। क्रॉप पर आपका ये जो नेम है ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्स ग्लैंड्स इन हनी बी आर प्रेजेंट। जो वैक्स ग्लैंड होती है हनी बी में या कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हनी बी में आपका किस जगह पर प्रेजेंट होती है? तो इसमें आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका वैक्स ग्लैंड है हनी बी में ये प्रेजेंट होती हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लास्ट फोर एब्डोमिनल सेगमेंट। ये बहुत याद रखिएगा, पीजीटी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट वेंट्रल साइड में है और लास्ट के जो फोर एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं इनमें आपका जो वैक्स ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है द ड्रोन्स इन हनी बी आर। अब ड्रोन्स जो होती हैं हनी बी में वो क्या होती हैं? तो जाहिर सी बात ये मेल है, यानी फीमेल वाले ऑप्शन तो आपके कट गए। अब ये फर्टाइल है या स्टेराइल है? चूंकि आपका ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो ये आपका होगा फर्टिलाइट मेल। राइट आंसर ऑप्शन ए फर्टाइल मेल। नेक्स्ट है इन बीज स्टिंग इज अ मॉडिफाइड ओवीपोजिटर एंड इज प्रेजेंट ओनली इन। जो स्टिंग होती है वो मॉडिफाइड ओवीपोजिटर होती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब किस में प्रेजेंट होती है? चूँकि आपका ये हनी बीज जो है ये कॉलोनियल है और अलग अलग इसमें आपका थ्री टाइप्स के होते हैं, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो आपका ये जो स्टिंग अपरेटस है, स्टिंग जो है ये आपका केवल पाई जाती है ओनली इन वर्कर्स। वर्कर्स में आपका जो स्टिंग है ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इन बीज डांस इज मेंट फॉर। जो बीज ये डांस करती हैं इसका क्या यूज़ होता है? तो ये आपका यूज़ करती हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए। जो बीज आपका डांस करती हैं वो कम्युनिकेशन के लिए डांस करती हैं। नेक्स्ट है इन बीज कॉलोनी आल लार्वा आर फीड बाय वर्कर्स फॉर फर्स्ट टू डेज। अब पहले दो दिन में जो लार्वा होते हैं वो चाहे वर्कर हो वो कौन सा आपका फूड इनटेक करते हैं? हनी, पॉलन, रॉयल जेली एंड सलाइवा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रॉयल जेली। स्टार्टिंग के टू डेज सभी रॉयल जेली करते हैं और उसमें से अगर किसी को क्वीन बनाना होता है तो वो 9 के 9 दिन आपका या जितने भी दिन बचते हैं वो रॉयल जेली ही फीड करते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल लैक इज, यानी कॉमर्शियल लैक क्या है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सीवेट ऑफ एन इंसेक्ट। कॉमर्शियल लैक जो है वो आपका एक्सीवेट ऑफ एन इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज कास्ट बाय लेशमिनिया एंड इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार जो है लेशमिनिया से होता है और ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट ऑफ शुगर केन। शुगर केन जो है इसका पेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका बहुत कॉमन है। राइट आंसर ऑप्शन ए सी पायरेला परप्यूसेला। पायरेला परप्यूसेला।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। स्टोर्ड ग्रेन जो होते हैं उन पर ये इनमें से कौन सा जो पेस्ट है वो आपका वर्क करता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये तीनों जो है आपका स्टोर्ड ग्रेन पे जो पेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर चूंकि करेक्टली मैच नहीं है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसपी डॉटर्स परनीसियस, ये आपका जूट में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका मैच नहीं है। नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ कॉटन इज, जो कॉटन का पेस्ट है वो कौन है? तो कॉटन में जो आपका पेस्ट पाया जाता है वो है आपका फोर ऑप्शन में से ये ऑप्शन सी, डिस्टर्कस कोने निजी, कोई निजी डिस्टर्कस कोई निजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको मैच करना है तो मैच जब करेंगे तो इसमें देखेंगे कि मैच करते वक्त ये देखते हैं कि जो कॉमन है वो थोड़ा सा मैच कर जाए, तो बाकी हमें जैसे इसमें आपका एडीज़ है, एडीज़ थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, एडीज़ से आपका हो जाता है डेंगू फीवर या डेंगू फीवर, यानी डी का आपका सेकंड। अब हम देखेंगे डी का जो है, अब देखिए डी का कहीं पर और भी जो है, डी का केवल एक में सेकंड दिखा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया राइट आंसर ऑप्शन ए, बाकी आप इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका मैच वाला है, मैच द फॉलोइंग, तो इसमें अगर आप जब मैच कराएंगे तो ये आपका जो ए है कैलोसोर्बस्टस कैलोसोब्रोकस चाइनीसिस, तो ये आपका जो है ए ये मैच करेगा आपका फिफ्थ से, पल्सेस में पाया जाता है ये वाला जो है वो फिफ्थ से मैच करेगा। ओराइजा, ओराइजा जो है ये आपका बेस्ड होगा पैडी में, यानी बी जो है फोर्थ से, तो अब ए का फिफ्थ और बी का फोर्थ, अब ये ज़रा मैच करके देख लेंगे, ए का फिफ्थ और बी का फोर, इसके अलावा भी अगर मैच कर रहे हैं तो ए का फिफ्थ बी का फोर, ये दो चूँकि मैच कर रहे हैं तो फिर बाकी आगे देखते हैं। अब इसमें जो आपका ई वाला है तो ये ई वाला जो है ये मैच करेगा आपका थर्ड यानी वीट से, तो ई वाले में हो जाएगा थर्ड, ई वाले में ये रहा थर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी आप मैच करा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलोनियल हैबिट। अब इनमें से किसकी जो है आपका कॉलोनियल हैबिट होती है, यानी कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, तो टर्माइट जो है वो सीधे सीधे दीमक जो है वो आपका कॉलोनियल फॉर्म में ही रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेस्ट अटैकिंग मैंगो फ्रूट ट्री। अब इसमें कौन सा जो पेस्ट है वो आपका अटैक करता है मैंगो फ्रूट ट्री पर, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेकस डॉर्सेलिस एंड बेटोसेरा मैकुलेटा, राइट आंसर ऑप्शन सी, ये आपका मैंगो फ्रूट पर ट्री पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट है कॉटन मलेरिया इज कास्ट बाय, जो आपका कॉटन मलेरिया है वो क्या कास्ट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स,
हॉर्डन मलेरिया जो है वो आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकरेंस ऑफ फीवर इन मलेरिया आफ्टर एवरी 72 आवर, 72 आवर में जो मलेरिया का फीवर रिकरेंट करता है वो आपका कहलाता है क्वार्टन मलेरिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वार्टन मलेरिया। नेक्स्ट है, द रिकरेंस ऑफ मलेरिया फीवर आफ्टर एवरी 48 आवर। तो 72 आवर वाला था क्वार्टन मलेरिया, और ये जो आपका 48 आवर है ये आपका टर्शियन मलेरिया, माइल्ड टर्टियन मलेरिया और मेलिगेंट, ये तीनों होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, मोस्ट पोटेंट ड्रग इन्वेंटेड सो फार फॉर अ मलेरियस पेशेंट इज। अब इनमें से कौन सी जो आपका ड्रग है वो आपका द मोस्ट पोटेंट, अब कौन सी जो है आपका मोस्ट पोटेंट ड्रग है मलेरिया पेशेंट के लिए, ये आप कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट आंसर हो वो आप कमेंट करके बताएं, इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट एज वेल एज वेक्टर। इनमें से कौन जो है वो पैरासाइट भी है और साथ ही साथ आपका वेक्टर भी, वेक्टर का मतलब किसी डिसीज को वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फ्ली, फ्ली मतलब जिनोप्सिला जो होता है जिसको हम पिस्सू कहते हैं, तो ये आपका पैरासाइट भी है। अगर आप देखें तो जो डॉगीज वगैरह होते हैं या अदर जो हेयरी मैमल्स हैं उनमें आपका ये फ्लीस पाया जाता है एज ए एक्टोपैरासाइट फॉर्म में, और साथ ही साथ ये आपका जो प्लेग है, प्लेग के लिए जो जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो प्लेग के लिए एज ए वेक्टर वर्क करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मलेरिया येलो फीवर फाइलेरियासिस डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय। ये जो आपका मलेरिया येलो फीवर ये सब डिसीज जो हैं फाइलेरियासिस, ये किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉस्किटो। सीधा सीधा है, मलेरिया जो है वो आपका मॉस्किटो से ही होगा, बाकी डिसीज भी आप चेक कर लीजिए तो वो सब आपका मॉस्किटो से ही होंगे। नेक्स्ट है, क्यूलेक्स फैटिगेंस कैरीज अ पैरासिटिक राउंड वॉर्म नोन एज। क्यूलेक्स फैटिगेंस जो है वो आपका कैरीज करता है पैरासिटिक राउंड वॉर्म नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचेरिया बैंक्रोफ्टाई। राउंड वॉर्म बोल देंगे क्यूले आपका विचेरिया बैंक्रोफ्टाई को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमंस इन इज द हेड लूज। तो आपका जो हेड लूज में होता है वो आपका होता है पेडिकुलस होता है, तो आपका पेडिकुलस चूंकि देखिए तीनों आ गए पेडिकुलस ह्यूमनस, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेडिकुलस ह्यूमन हेड पूछा गया है, हेड लाउस। तो हेड के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिटिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिटिस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज अ सेट ऑफ वैक्टर। इनमें से कौन सा जो सेट है वो एज ए वैक्टर यानी डिफरेंट डिसीज को आपका ट्रांसमिट करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंड फ्लाई, टीसीटीसी फ्लाई एंड हाउस फ्लाई, ये आपका वैक्टर का सेट है। नेक्स्ट है, ग्लॉसी ना पैलपेलिस यानी टीसीटीसी फ्लाई थ्रू इट्स बाइट मैनी ट्रांस मिट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ। और सीपिना यानी टीसीटीसी फ्लाई है वो कौन सा आपका इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसमिट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी,
टीसीटीसी से बन गया ट्रिपैनोसोमा। राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट है वेदर डिजर्ट लोकस्ट इज सॉलिट्री और ग्रीगेरियस, यानी जो वेदर डिजर्ट लोकस्ट है ये आपका सॉलिट्री यानी अकेले या ग्रीगेरियस यानी समूह में होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, वेदर पे, फूड एंड वेदर, डेवलपमेंट ऑफ विंग्स या इट्स स्पीसीज, तो ये डिपेंड करता है आपका फूड एंड वेदर पे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूड एंड वेदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, इनमें से कौन सी डिसीज है जो हाउस फ्लाई आपका ट्रांसमिट नहीं करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलो फीवर। येलो फीवर जो है वो आपका हाउस फ्लाई ट्रांसमिट नहीं करती है। नेक्स्ट है बेसिलस पेस्ट्रिस इज कास्ट ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, जो आपका बेसिलस पेस्ट्रिस है ये आपका ब्यूबोनिक प्लेग जो ट्रांसमिट करती है, तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिट करती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैट फ्लीज, जिसको कहते हैं ज़ूनोप्सिला। अभी इसी की बात करी जा रही थी फ्लीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, काला आजार किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज आर पेस्ट ऑफ प्लांट्स, अब इसमें से प्लांट का जो पेस्ट है वो कौन सा है, तो इसमें आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफिड। नेक्स्ट है टर्माइट्स आर कैरीज ऑफ मैनी वायरस डिसीजेज ऑफ प्लांट्स विच आर कार्ड, टर्माइट्स जो है बहुत सी आपका वायरस डिसीज ट्रांसमिट करता है, डिसीज ऑफ प्लांट विच इज कार्ड, तो कौन कौन सी डिसीज है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको एंड लीफ क्रिंटल डिसीज ऑफ कॉटन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ बी ए एंड बी। नेक्स्ट है काला आजार इज कास्ट बाई, काला आजार जो है इसके थ्रू कास्ट होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए लेशमेनिया। नेक्स्ट है डेड हार्ट ऑफ शुगर केन इज कास्ट बाई, डेड हर्ट जो होता है शुगर केन का उसके थ्रू कास्ट होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी इस कार्पोफेगा नाइवेला, इस कार्पोफेगा नाइवेला। नेक्स्ट है टम्बलर इज द नेम गिवेन टू प्यूपा ऑफ, अब ये किसका प्यूपा है जिसको टम्बलर कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉस्किटो, मॉस्किटो के प्यूपा को कहते हैं आपका टम्बलर। नेक्स्ट है विंगलेस ब्लड शकिंग एक्टोपैरासाइट ऑफ मैमल्स इज, अब विंगलेस ब्लड शकिंग एक्टोपैरासाइट कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन ए पेडिकुलस यानी जू जो है वो आपका एक्टोपैरासाइट और विंगलेस है। नेक्स्ट है ए मेल मॉस्किटो कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम फीमेल मॉस्किटो बाय द प्रेजेंस ऑफ, मेल मॉस्किटो जो है वो भिन्न होता है फीमेल मॉस्किटो से किसकी प्रेजेंस की वजह से, तो मेल मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं आपका लॉन्ग ब्रशी एंटीने, राइट आंसर ऑप्शन बी लॉन्ग ब्रशी एंटीने। नेक्स्ट है कैंथ्रीडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, कैंथ्रीडीन किससे ऑब्टेंड होती है,
तो कैंथ्रीडीन जो ऑब्टेंड होती है वो होती है आपका बीटल्स, राइट आंसर ऑप्शन ए बीटल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ प्यूपा इन इट्स लाइफ साइकिल। अब किसकी लाइफ साइकिल में आपका प्यूपा नहीं होता है जीवन चक्र में, तो बेडबग की लाइफ साइकिल में यानी खटमल की लाइफ साइकिल में जो प्यूपा है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द इंसेक्ट विच आर हाईली डिस्ट्रक्टिव टू बिल्डिंग्स एंड वुडन स्ट्रक्चर आर। अब ये आपका होता है डिस्ट्रक्टिव वुडन और बिल्डिंग, तो टर्माइट हो गया यानी दीमक, यही डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज ऑब्टेनिंग रॉ सिल्क इज कॉल्ड। तो रॉ सिल्क जो प्राप्त करने का प्रोसेस है ये आपका कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इन हनी बीज पॉलन बास्केट पैक्टिन पॉलन कॉम्ब एंड ऑरिकल आर फाउंड इन। पॉलन बास्केट पैक्टिन, तो पॉलन बास्केट ही कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये आपका प्रेजेंट होती है हिंडलिंग में, राइट आंसर ऑप्शन ए हिंडलिंग हिंडलैग। नेक्स्ट है इन मॉस्किटो माउथ पार्ट्स आर, तो माउस सॉरी जो मॉस्किटो के माउथ पार्ट होते हैं ये होते हैं आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप। नेक्स्ट है डिसीज काजिंग एजेंट ऑफ कॉलरा डिसेंट्री टाइफाइड लेप्रसी एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कैरिड एंड ट्रांसमिटेड बाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सारी डिसीज जो आपका ट्रांसमिट होती हैं वो हाउस फ्लाई से होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर, इनमें से कौन सा जो आपका स्पीसीज है वो आपका ग्रास हॉपर की है, तो ये अगर आप देखेंगे तो तीनों जो स्पीसीज है वो आपका ग्रास हॉपर की, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मेल कॉकरोच इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल कॉकरोच बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो मेल कॉकरोच में आपका प्रेजेंट होते हैं एनल स्टाइल, इसकी वजह से ये आपका फीमेल कॉकरोच से डिफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, टर्माइट इज अ कॉलोनी, पहला ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो मलेरिया येलो फीवर फाइलेरियासिस या ट्रांसमिट टीसीटीसी ये तो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हनी बीज सेरिकल्चर नहीं होगा। ड्रोन्स इन हनी बीज आर फर्टाइल मेल आर फर्टाइल फीमेल, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कॉल वॉन फ्रिश डिस्कवर्ड द, तो कॉल वॉन फ्रिश ने क्या डिस्कवर करा था, तो कॉल वॉन फ्रिश ने आपका डिस्कवर करा था जो लैंग्वेज ऑफ होती है यानी जो कम्युनिकेशन होता है हनी बी में, इसको डिस्कवर करा था, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, अब इसमें आप इसको मैच करके देखिए, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका स्लीपिंग सिकनेस को हम मैच कर लेते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस का हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी बी का ऑप्शन होगा, बी जो है इसका ऑप्शन होगा स्लीपिंग सिकनेस टीसीटीसी फ्लाई, तो ये आपका ग्लॉसिफिना पैलपेलिस हो जाएगा यानी बी का फिफ्थ। और सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म आपका रिलेटेड होता है सेरिकल्चर से, तो ए का हो जाएगा आपका फोर, ए का फोर बी का फाइव, अब यही ऑप्शन जरा चेक कर लें, ए का फोर बी का फाइव, राइट आंसर ऑप्शन सी, बाकी जो है आप इसको मैच करा लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट गाइड्स द सब्सिक्वेंट बीज टू विजिट द सेम फूड सोर्स, what guidance what guides the subsequent bees to visit the same food source,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मेल ऑफ फ्लावर एंड अर्लियर बीज। स्मेल ऑफ फ्लावर और अर्लियर बीज के आधार पर वो सेम फूड सोर्स को विजिट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन फूड सोर्स फाउंड बाय ए स्काउट बीज इज लोकेटेड इन द, स्काउट बीज ने आपका फूड सोर्स को लोकेट कर लिया का है और ये लोकेटेड है आपका डायरेक्शन फ्रॉम द हाइव एग्जैक्टली अपोजिट टू द सन, यानी छत्ते से ठीक उल्टी दिशा में, सूर्य की उल्टी दिशा में आपका। तो ये पहली बात तो आपका, अगर ये ध्यान रखिएगा, सूर्य की उल्टी दिशा में, तो सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा आपका, ये ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि राउंड डांस नहीं होगी, ये टेल वैगिंग डांस होगी। अब चूंकि सूर्य के विपरीत है तो डाउनवर्ड वर्ड याद रखिए, डाउनवर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ए स्काउट बीज फाइंडिंग अ न्यू सोर्स फूड कम्युनिकेट्स इन लोकेटेड टू अदर बीज एंड, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैन कम्युनिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फूड सोर्स थ्रू इट्स टेल वैगिंग डांसेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।